नमस्कार सभी को। आज मेरे ख्याल में 1-1.5 साल के बाद मुलाकात हो रही है दोबारा कि नई टेक्निक बताते हैं स्टैंडिंग में से, वो है नए बच्चों के, जब बीच में ब्रेक हो गया तो नए बच्चों के लिए है। एक जब नॉर्मल पोजीशन हो जाती है हमारी जो रेसलिंग में, वो पोजीशन देख लो, ये पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से टेक्निक है, यहाँ से गुरुवीर जी टेक्निक है। पहलवान डंडे के लिए ट्राई करता है और दूसरा रिएक्शन करता है, डंडा नहीं लगने देता, उसके बाद वहीं से आर्म पुल यानी दस्ती वो करके बताते हैं। ये पोजीशन है, यहाँ से ये हाथ टाइट पकड़ा हुआ है और ये हाथ, ये हाथ, और यहाँ से चलते हैं। ये डंडा मैं पूरी स्पीड से मारना चाहता हूँ, लेकिन अगला खिलाड़ी इतना मजबूत और स्पीड वर्क है इसका, फुटवर्क बढ़िया है, ये मेरे साथ साथ चल रहा है, वो डंडा नहीं लगने दे रहा, तो वहीं से चेंज करनी है आर्म पुल यानी दस्ती। एक राउंड में साथ चलूंगा इसको लेके, ये टाइट, ये बस। अब इसको स्लो देख लो, यहीं पे आके मैं बदल दूंगा चेंज, ये हाथ, ये साथ साथ चल रहा है, तो ये और कमर पे हाथ, यहाँ पे ये दोबारा देख लो, सिर्फ चेंज करने का देख लो, समझ लो मैं एक पूरा राउंड लेके आया हूँ इस पोजीशन में, लेकिन ये इतना मजबूत है ये गिर नहीं रहा। मेरे को तो चलना है, मेरे को बैक चलना है और इसको ये थाई ब्लॉक करके, ये नहीं गिरा, यहीं से चेंज, ये दस्ती देख, डंडा दिखाना है, वो नहीं लगा और वहाँ पे दस्ती, हाथ चेंज कर लेना है। इसको स्लो देख लो, पूरा राउंड यहाँ सब सपोज करो ख़त्म, तो यहाँ से ये दबा, ये अब मैं पूरा करके देख देता हूँ, स्लो, ये यहाँ स्टॉप, ये सबसे ज़्यादा इसमें मेन चीज़ है मेरा फुटवर्क, फुटवर्क का ध्यान रखें, जितना मैं स्पीड से चलूँगा उतना ये टेक्निक लगाने में आसानी होगी हमें। ये ग्रिप, थाई होल्ड, ये चलना यहीं पे, पुश, सिर्फ ये है टेक्निकल बात ज़्यादा, पुश, ये चलते चलते पुश। तो काफ़ी दिन में इंट्रोडक्शन हुआ है, जल्दी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।